हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अमरीन कशन एंड ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं अनियन हेयर ऑयल, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है, मिलता है। पर मैंने अभी आपने मेरी पहले वाली नेक्स्ट वीडियो में देखा होगा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कोकोनट ऑयल की रेसिपी। आप घर में आप इजीली कोकोनट ऑयल कैसे बना सकते हैं, फ्रेश कोकोनट ऑयल, जो कि जिसमें बिल्कुल भी केमिकल का यूज नहीं है और बिल्कुल भी प्रिजर्वेटिव नहीं है। उसमें कलर भी, उसमें जो बाहर के कोकोनट ऑयल होते हैं वो जम जाते हैं, पर जो घर में बनाते हैं वो बिल्कुल भी जमते नहीं, वैसे ही रहते हैं। बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। आप अपने हेयर में लगा रहे हो। मैं अभी रिसेंटली, मुझे अभी थोड़ी दिन पहले पीसीओडी हो गया था और बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहे थे, बहुत ज्यादा। और मैं इसको लगातार 1 मंथ से यूज कर रही हूँ। मेरे हेयर बहुत अच्छे हो गए हैं, बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं हो रहा है और बहुत अच्छा, मतलब हेयर में वॉल्यूम है और मेरा हेयर बहुत ज्यादा कर्ली है। पर ये मैं यूज करती हूँ, उससे मेरी हेयर की लेंथ भी बढ़ रही है पहले से और बहुत ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट मुझे मिला है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करती हूँ अनियन हेयर ऑयल, जिसमें हमने अपनी घर की कुछ कुछ चीजों डाल के बनाया है, बहुत ज्यादा हेल्दी है। आप लोग लाजमी ट्राई करिएगा और अगर आप लोगों को इफेक्ट करेगा ना तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और मैं अब इसे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, घर में आप शैम्पू कैसे बना सकते हैं जो कि बिना केमिकल के होगा और मैं इसमें यूज करूंगी बहुत अमेजिंग चीज, जो कि इजीली अवेलेबल हो जाती है मार्केट में, और नहीं मार्केट में मिल रही है तो आप ऑनलाइन इसको परचेज कर सकते हो। और जो ये मेरी हेयर ऑयल की रेसिपी है ना, आप इसको जरूर घर में ट्राई करिएगा। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, आप कोकोनट ऑयल घर में बना लोगे ना तो अनियन ऑयल बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा आपको। 10 to 15 मिनट जब उसमें आप सामान डाल के कुक करोगे उतना ही समय लगेगा। और बस कोकोनट ऑयल एक बार बना लो और आपके 2-3 मंथ्स के लिए वो हो जाएगा, 2-3 मंथ तक वो खराब ही नहीं होएगा। और एयर टाइट कंटेनर में आप रख के बंद करके रखिएगा, बहुत अच्छा ऑयल है, आप लोग ट्राई करिएगा। अगर मेरी वीडियो नहीं देखी है ना आपने कोकोनट ऑयल की, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाके हमारी वीडियो देखिएगा और मुझे कॉमेंट में जरूर बताइएगा और इसको शेयर जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसे बनाते हैं अनियन हेयर ऑयल और इसके बाद मिलते हैं। अनियन ऑयल बनाने के लिए मैंने एक पैन लिया है, उसमें आधा तेल मैंने, जो कोकोनट ऑयल आपने देखा होगा मेरी पहले वाली वीडियो, और उसका आधा तेल मैंने इसमें लिया है। मुझे लग रहा था ये मेरा बहुत ही फ्रेश कोकोनट ऑयल है, शायद ये जमे ना, पर थोड़ा थोड़ा सा जम गया था ये। और इसी में मैंने डाला है 1 स्लाइस करीबी प्याज और 1/4 कप करी पत्ता, 1/4 चम्मच मेथी दाना डाल के अच्छे से इसको मिक्स करा है और एकदम लो फ्लेम पे पकाया है इसको 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट एकदम लो फ्लेम पे ही रखना है और बिल्कुल तेल को जलाना नहीं है, ये अपने आप जो इसका अर्क है ना वो उतर आएगा तेल में। और हमारा अनियन ऑयल बनके रेडी हो गया है, ये देखो। अब इसी फ्लेम को बंद कर देंगे और ये तेल जब तक ठंडा होने के लिए रखेंगे तब तक ये प्याज जो है हमारी ब्राउन हो जाएगी। और इसको ठंडा करके छान लेंगे कोई भी कंटेनर में और उसके एयर टाइट डिब्बे में डाल के इसको रख लेंगे। बहुत ही अच्छा तेल बन के रेडी होता है, इससे आपका बाल बिल्कुल भी नहीं झड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। आप नहाने के आधे घंटे पहले आप इसको लगा लो या एक रात पहले लगा के सो जाओ और दूसरे दिन हेड वॉश कर लो। बहुत ही अच्छा तेल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा तेल है। और आप मेरा कोकोनट ऑयल वाला आपने वीडियो देखा है, अगर नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर जाके देखिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर मेरा अनियन हेयर ऑयल अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। बाय गाइस।